जींद की राजवंती के अचार का स्वाद यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता है। पेट के रास्ते दिल जीतने के मुहावरे को राजवंती ने अपना जीवन व्यवहार बना लिया। बिना किसी मैनेजमेंट डिग्री और मार्केटिंग आइडिया के राजवंती ने 3 साल में कमाल कर दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि छोड़ा हा काम बस अपने घर घर में करना है, लड़कियों का थोड़ा रोजगार मिल जाएगा, मैं टाइम पास मेरा भी काम चलता है। लेकिन उसके बाद एकदम ये जो लोग खाते गए, आगे लोगों की डिमांड बढ़ती गई और बिजनेस को मैंने भी, कुछ लोगों ने मेरे को भी सुझाव दी भी आप इसको आगे बढ़ाओ। अचार के कारोबार में उतरने से पहले राजवंती का जीवन भी किसी भी आम घरेलू महिला की तरह ही था। एक बेटी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में है तो दूसरी बेटी एक बैंक में ऑफिसर। बेटा पढ़ाई के लिए शहर से बाहर है तो वकील पति को वकालत से फुर्सत नहीं। अकेलेपन से परेशान राजवंती ने अपने खाली समय का इस्तेमाल कुछ इस तरह करने की योजना बनाई कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। अकेली सारा दिन टाइम पास नहीं होता था, डिप्रेशन से हम चली गई थी तो बीमारी वगैरह रहने लगी थी, नींद वगैरह नहीं आती थी। कुछ मेरे पास सफाई वाली लड़कियां आती थी, उनके माँ बाप नहीं थे, वो बहुत गरीब घर से थी सर, तो वो मेरे को कहती आंटी कोई आप ऐसा काम करो जिससे कि हमारे को भी कुछ रोजगार मिल जाए। तो मेरे को कुकिंग केयरिंग के शौक बचपन से शुरू से ही रहे हैं सर, मैं हर चीज़ बनाती थी, देखती थी, प्रैक्टिकल करके देखती थी। तो मैंने सोचा भी ये लड़कियाँ भी बेचारी, इनको भी रोजगार मिल जाएगा, कुछ अनपढ़ औरत हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा भी मैं अपना एक ऐसा काम करूंगी जिसको हर औरत अनपढ़ या पढ़ी लिखी जो भी करना चाहेगी वो कर सकेगी। राजवंती की बदली जिंदगी ने आसपास की और कई महिलाओं की जिंदगी बदलने की जमीन तैयार कर दी। अनाथ आशा राजवंती के घरेलू काम करती थी, साथ ही आशा की 4 बहनें भी दूसरे घरों का काम करके घर चलाती थी। लेकिन जब एक बार राजवंती के अचार का स्वाद जींद के लोगों की जुबान पर चढ़ा तो फिर इन बहनों को लोगों के घर का चूल्हा चौका करने की जरूरत नहीं बची। हमारे पास पहले बहुत कम पैसे होते थे, अब जैसे यहाँ पर काम करने लगे थोड़ी मदद हो गई थी कि इनका खाने में मतलब अच्छा ले सकते थे, जो जरूरत की चीज़ें थी वो भी खरीदी गई, जैसे गैस टीवी भी लिया, फ्रिज भी लिया, ये कई चीज़ें खरीद ली, सारी चीज़ अच्छी थी। वैसे पता ही नहीं चलता था कि किसी और के यहाँ काम करते हैं, जैसे घर जैसा लगता था। ये वाला अच्छा है, पहले वाला गोबर में दस दे घास गिर दे बैसा नड़ा दे हैं गोबर में दस रहे कर, पहले ये काम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल जो मालिक हैं बिल्कुल घर की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। पीक सीजन के दौरान यहाँ करीब 20 लोग काम करते हैं और ऑफ सीजन में भी 5-6 लोग हमेशा यहाँ काम पर लगे रहते हैं। पहले जिनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना रोज रोज अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से जूझने की कहानी हुआ करती थी, वो अब यहाँ आराम से एक साथ बैठकर पड़ोस और परिवार के माहौल में अपनी कमाई कर रहे हैं। कुछ तो इस कमाई से अपने परिवार के खर्चों में मदद कर रहे हैं और कुछ अपने खुद के शौक पूरे कर रहे हैं। यानी साफ है कि इस छोटी सी अचार फैक्ट्री से केवल राजवंती और उनके परिवार की ही जिंदगी नहीं बदली है बल्कि 15 से 20 और जिंदगियां भी बदल गई हैं। राजवंती का दावा है कि उनके अचार में किसी भी तरह का कोई केमिकल या किसी तरह का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अचार पूरी तरह केवल हल्दी और नमक के जरिए ही सुरक्षित रखे जाते हैं। 40 लाख रुपए तक की सालाना बिक्री करने वाली राजवंती ने अब तक इसके लिए किसी बाहरी एजेंसी का सहारा नहीं लिया है। रोहतक और जींद में इनके 2 शोरूम हैं, जिनसे इन्हें 5 से 7 हजार रोजाना की बिक्री हो जाती है। इसके अलावा जींद में 4 और धारूहेड़ा, पीलूखेड़ा और खरखोदा में एक एक दुकानों से भी सुप्रीम अचार बेचे जाते हैं। राजवंती के मुताबिक इन सब दुकानों से हर महीने
करीब 300 किलो अचार की बिक्री हो जाती है। हालांकि इनका कहना है कि इन्हें सबसे ज्यादा फायदा प्रदर्शनियों में भाग लेने से मिलता है। अब तक वे करीब 15 प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुकी हैं। मैं अपनी सरकार की तरफ से जो एग्जीबिशन वगैरह लगती थी वहाँ जाने लगी, वहाँ लोगों का मैंने बहुत अच्छा रुझान मिला। ऑफिसर वगैरह अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, इन्होंने मेरे को बहुत समय समय पर सुझाव भी दिए, हर बात के बारे में मेरे को बताते कि मैडम आप ऐसा करो ऐसा करो। तो उनके कहने के बाद फिर मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का पूरा मन बना लिया सर। काम बढ़ा तो राजवंती ने तकनीक और पैकेजिंग बेहतर की। पैकेजिंग लेबलिंग अब राजवंती खुद ही करती हैं। मशीन पर राजवंती ने 50 लाख रुपए का निवेश किया। इसके लिए 25 लाख रुपए का बैंक कर्ज लेना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजवंती के परिवार ने उनके हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया। इनकी इच्छा थी मैं अपना कारोबार खोलूं बिजनेस, तो मैंने जो भी मदद थी, जो भी हमारे पास पैसा था, दोनों का इकट्ठा ही था, मैंने मदद की फाइनेंशियली भी, और अब भी मैं मदद करता हूँ। उनकी काम मार्केटिंग करना हो, कहीं बाहर जाना हो, या मंडी से सामान लेना हो, हर तरह। राजवंती अपना अचार अब देश भर में बेचना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, लेकिन फिलहाल लगभग सभी ऑर्डर उन लोगों की ओर से ही आ रहे हैं जिन्होंने एक बार उनके अचार का स्वाद ले लिया है। हम दिल्ली ट्रेड फेयर में गए थे सर, वहीं पे कांटेक्ट होया था हमारा किसी बंदे से, फिर बाद में वहाँ से जाने के बाद उन बंदों ने हमारे को ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था यूरोप और न्यूजीलैंड से। उन्होंने हमारे से अपना सैंपल मांगा था, उसके बाद वो बोले भी हमारे को सप्लाई चाहिए आप, तो रोहतक के अंदर अपना खुद का भी है वैसे भी लेकर जाते हैं, और एक पीलूखेड़ा में लेकर जाते हैं सर, करनाल में लेकर जाते हैं, और वैसे जहाँ भी मेरी सरकार की तरफ से एग्जीबिशनें लगती हैं वहाँ से कस्टमर सीधे आते हैं। मिर्च, नींबू, आम, करौंदा, करेला, लहसुन और आंवले का मुरब्बा, अचार और चटनी। राजवंती जी के शोरूम में ये केवल चटपटे और रसीले स्वादों की रेसिपी भर नहीं है, ये कहानी है दरअसल एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू किए गए घरेलू कामकाज का, जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को एक नया आयाम दिया है। जीन हरियाणा से mandi.com के लिए भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नेशनल ई मार्केट्स के सीईओ राजेश सिन्हा।